नमस्कार दोस्तों, जो किसी का दिल दुखाकर सुख की तलाश में है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशिफल के बारे में। आज आपका 31 मई दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, आने वाले समय में आपको किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, और आप सभी को बता दें कि आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, और इसके साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। यदि दोस्तों आप भी अपनी राशि जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है। दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य से कर लें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 31 मई 2024 दिन शुक्रवार। आज की तिथि है अष्टमी। आज का नक्षत्र है सद्विष नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:23 पर। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 7:14 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। यदि दोस्तों कोई भी शुभ काम करना हो तो इसी समय करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। और इसके साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 1:40 से दोपहर 2:37 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 1 और लकी कलर है नीला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के खास ज्ञान के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में यदि आपको सफलता पाना है तो रोज करें ये कुछ कार्य। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा गंभीर रहना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए विद्यार्थियों को लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन शोध और नई चीजें सीखने के लिए होते हैं। ऐसा करने से भविष्य सुंदर और सगम बनता है। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में भोजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। विद्यार्थियों को रोजाना पौष्टिक और संतुलित आहार लेना चाहिए। युवावस्था में स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखना चाहिए। छात्र जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व माना गया है। विद्यार्थियों को अपने प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने के लिए समय का सही तरीके से इस्तेमाल बेहद करना जरूरी है। जब प्रत्येक कार्य को समय के अनुसार आप करेंगे तो उसमें सफलता सही मिलने की संभावना होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के आपके खास ज्ञान के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें आपकी सकारात्मक सोच पुरस्कृत की जाएगी, क्योंकि आप अपनी कोशिशों में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, बिना किसी मदद के भी आप धन कमा पाने में सक्षम हो जाएंगे। बस आपको दोस्तों स्वयं पर विश्वास करने की आवश्यकता है। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए कुछ भी बोलें या किसी से भी बात करें तो दोस्तों तोल मोल कर ही उसे करें। व्यक्तिगत संबंध संवेदनशील रह सकते हैं, नाजुक रह सकते हैं। व्यावसायिक मीटिंग के द्वार भावुक और बड़बोले ना बने। अगर जुबान पर काबू नहीं रखेंगे तो आसानी से आप अपनी प्रतिष्ठा मिटा सकते हैं। दोस्तों, समय का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए आज आप पार्क में घूमने का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वहां पर किसी अनजान शख्स से आप लोगों की बहस होने की आशंका है, जिससे आप लोगों का मूड खराब हो सकता है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई दोस्तों मालूम पड़ेंगी। दोस्तों, धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, आपको बता दें कि सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए अपने धन में एक अच्छा समय पूरा करें दोस्तों, जिसके चलते आपको भविष्य में कई बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों धन को बचाकर रखने का प्रयास करें। आज का दिन अच्छा रहेगा और हो सकता है कि कोई परिवार का सदस्य आपके आज घर आ जाए। दोस्तों, शाम के वक्त घर के लोगों के साथ मिलकर डिनर करना आपके लिए बेहद सुखद रहेगा। साथ ही दोस्तों आपको बताएं, दोस्तों व्यस्तम दिनचर्या से हट करके आपको जिंदगी में नयापन लाने के लिए अपने गुरुजी के कार्य में समय व्यतीत करें। दोस्तों, इससे मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी। कहीं से भी कोई पेमेंट आने से खुशबू में इजाफा होगा। दोस्तों, परिवार के सदस्यों को उनकी समस्याओं का हल करने में
आप लोगों का सहयोग अच्छा रहेगा। दोस्तों उनका भी सहयोग अवश्य करें, इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण काम इस वजह से रुक सकते हैं। व्यवसायिक गतिविधियां बेहतर करने के लिए पहले उनके स्वास्थ्य को देखें। दोस्तों छोटी सी गलतफहमी व्यवसायिक संबंधियों को खराब कर सकती हैं, इसलिए दोस्तों ऑफिस में क्लाइंट के साथ डील करते समय पेपर वर्क सावधानी पूर्वक रखें। पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियां दूर होने वाली हैं, संबंधों में भी पुनः मधुरता आएगी। दोस्तों घर में किसी अविवाहित व्यक्ति का रिश्ता तय होने की भी संभावना बन रही है। दोस्तों बात करते हैं अब आपके लव लाइफ के बारे में, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों प्रेम जीवन की यदि हम बात करें तो आज आपको अपने पार्टनर के साथ उन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए जिनको लेकर के दोस्तों आप लोग अक्सर आपस में झगड़ते रहते हैं। कई बार उलझी हुई चीज़ों को सुलझाने के लिए आप आपस में बातचीत करें, ये काफ़ी फलदायी साबित हो सकता है। दोस्तों आपको अपने आप को उदास महसूस नहीं करवाना है, क्योंकि प्रेम की वह मुलाकात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से आप अपने इस बारे में सोचा था। इस रिश्ते को दोस्तों थोड़ा समय दें, शायद आप अपने साथी के दिल को अभी समझ नहीं पाए हैं। दोस्तों बता दें आपके साथी का दिल आपके लिए ही धड़कता है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेंगी कि आर्थिक दोनों तरफ से एक अंतरंग या फिर रोमांटिक मुठभेड़ की इच्छा आप दोनों की तरफ से जागृत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर के बारे में। दोस्तों कार्य क्षेत्र में निराश हो सकते हैं, कार्य क्षमता को कुछ कमजोरी पहुंचा सकता है। दोस्तों साशी के व्यापारियों के लिए मैं सलाह देती हूँ कि आप समय को निराशा से हावी ना होने दें। यदि आपके व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको कारोबार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए, ये सुनिश्चित करें कि आपको अच्छे फल प्राप्त हो। दोस्तों आपके राशि के जो जातक हैं नौकरी पेशे से जुड़े हैं, उन्हें आज अपने जूनियर का सहयोग मिल सकता है जिससे आप आवश्यक कार्य को समय पर पूरा कर सकते हैं, जिससे आपको अपने बॉस की प्रशंसा भी मिल सकती है। परंतु दोस्तों आज किसी भी मित्र पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें। आज आप बिल्कुल ही स्पष्ट सोच रहे हैं और आप मुश्किल योजना बना सकते हैं अथवा उसे बहुत अच्छी तरह भी कार्यान्वित कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर प्रकार की विशेष जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।